गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर सिंगला ने शहर की मूलभूत समस्याओं पर एक खाका तैयार करके जनता के समक्ष पेश किया। उन्होंने कहा कि विधायक बनकर वो बिना किसी देरी के इस विजन पर अपना काम शुरू कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शहर की जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और जुड़ा रहूंगा। राजनीति में सेवा करने का मौका पार्टी ने दिया है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। देखिए, मैं प्राथमिकता तो पहले कई बार बता चुका हूँ, एक सिविल हॉस्पिटल, नागरिक हॉस्पिटल बनाएंगे 500 बेड का, जो बस स्टैंड है उसको सेग्रीगेट करेंगे, सिटी बस स्टैंड इसको रखेंगे जो बना हुआ है मौजूदा को, और इंटरसिटी बस स्टैंड को शहर से बाहर ले जाएंगे, उससे बसों का आना जाना शहर में कम हो जाएगा, यातायात थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा और जाम में फ़र्क पड़ जाएगा, पॉल्यूशन में फ़र्क पड़ जाएगा। स्वच्छ गुड़गांव का नारे पर काम करेंगे, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। और इको ग्रीन के हिसाब से जिन्होंने पौधे लगाए हैं उनको कोशिश करूंगा, उनको आग्रह करूंगा कि उन पौधों को पालें और आगे से आगे पौधे लगाएं तो ग्रीन गुड़गांव रहेगा।